प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं, वहीं इससे दो दिन पूर्व 15 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने बडाम लहरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की घोषणा मशीन डबल तेजी से चल रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने चुनावी जनसभा में उपस्थित लोगों से सच्चाई का साथ देने की बात कही। आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और धर्म को राजनीतिक मंच में लाना धर्म का अपमान है।